तो अभी बस इसको चला के देख रहा हूँ। अभी हम वापस जा रहे हैं, ढलान में चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अभी चला रहे हैं, एकदम स्मूथ चल रही है ढलान में। और जैसे आपको MID में दिख रहा होगा कि 15 का एवरेज दिखा रहा है, शायद आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा फोकस वैसा हो रहा है, लेकिन 15 का एवरेज दिखा रही है इस समय, वो भी चढ़ाई में। अब तो हम ढलान में जा रहे हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और हॉर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है। और कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। बॉनेट इसका दिखता नहीं है आगे, मोस्टली जितने भी हैचबैक्स होती हैं उनका दिखता नहीं है, कुछ कुछ सेडान होती है जिनमें दिख जाता है, और SUV में दिख जाता है, लेकिन जितने भी हैचबैक होती है उनमें दिखता नहीं है। और अगर मैं पर्टिकुलर इसी गाड़ी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है चलने में ये। बस यहाँ पे गाइयाँ आ रही हैं, ये हट जाए, गौ माता हट जाओ, अभी बस ये हटेंगे तो फिर यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा इनका जो सिंग विंग होता है ना, अगर गाड़ी में लग गया तो फिर दिक्कत करता है, डेंट आने का डर रहता है। तो कुछ इस तरीके से है गाड़ी का, काफ़ी अच्छा ट्रैवल है, गियर का भी काफ़ी स्मूथ है। टाटा ने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है अपनी गाड़ियों में। देखो कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर आता है, गियर इसका ये है यहाँ पे, और चलाने में एकदम मज़ा आ रहा है गाड़ी को कुछ इस तरीके से। और अगर मैं ब्रेक की बात करूँ तो ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कोई पीछे आ नहीं रहा तो देखो देखो मैं ब्रेक मार रहा हूँ तुरंत, काफ़ी अच्छा है। फ्रंट में डिस्क आते हैं, रियर में ड्रम आते हैं इसके, और काफ़ी अच्छी चलती है। अगर आप इसको लेते हैं तो जो इन्होंने लिए टॉप से एक नीचे वाला है, कि शायद टॉप वाला है, मुझे थोड़ा ढंग से पता नहीं है, अभी कमेंट में ज़रूर बताना आप। और ये इनको पड़ी थी 7-8 लाख के आसपास पड़ गई इनको ये, पूरी ऑन रोड उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड देहरादून से ली थी इन्होंने उत्तराखंड में। और कुछ इस तरीके से हैंडलिंग बहुत प्यारी लगी मुझे, कॉर्निंग तो बहुत अच्छी है गाड़ी की, ये देखो कितनी अच्छी कॉर्निंग है, आपको कॉन्फिडेंस आपका कहीं भी लूज़ नहीं होगा, जितना आप इस गाड़ी को चलाएंगे आपको उतना मज़ा आएगा। और सच बताऊँ तो 400-500 किलोमीटर कब आप इससे ट्रैवल कर लेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और AC भी काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत जल्दी कूल कर रहा है पूरे के पूरे कैबिन को, और काफ़ी अच्छा है इसका हिसाब किताब है जो भी है। देखो अभी मैं चला रहा हूँ तो कितनी अच्छी चल रही, जैसे मैं कॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, देखो कितना अच्छा है, उतना सडन नहीं है बट ठीक है। यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, तो ये है टाटा की टिगोर का पूरा एक्सपीरियंस। मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सटीरियर दिखाया, इंटीरियर दिखाया, और ज़्यादा से ज़्यादा चला के दिखाइए। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अगर आप इसको लेते हैं तो डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, या मतलब आने वाले टाइम पर भी ये नहीं कहेंगे कि हमने टाटा ले ली, कोई दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया गाड़ी है, चलाने में भी बढ़िया है, एवरेज भी अच्छा है, पावर भी ठीक ठाक है, ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं, मैंने सारी चीज़ें चला के देखी है, बहुत अच्छा है। मैंने इसका टच स्क्रीन भी चला के देखा, काफ़ी अच्छा है, इसमें लैग वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा लैग मुझे कैमरे में ज़रूर लगा बैक साइड के, बट इतना थोड़ा बहुत चलता है। अब आप 7-8 लाख में गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ अच्छा है गाड़ी के अंदर। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ वीडियो देखनी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना किस गाड़ी की देखनी है, मैं मैनेज करूँगा उस गाड़ी के लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।